सो हाय गाइस, आज मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ टेस्ट बुक का फुल टेस्ट नंबर 4, जो तीसरा टेस्ट था। तीसरा टेस्ट सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, सो उसमें 121.5 थे, कट ऑफ पार नहीं हुई थी। सो ये थर्ड था, 18,000 रैंक थी 87,000 में से। सो फोर्थ टेस्ट को शुरू करते हैं फिर। ओके, आप देख सकते हो इधर 11 बज रहे हैं, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है। इंटरनेट की स्पीड अगर ठीक ठाक चल जाती है तो अच्छा है, नहीं तो परेशानी हो जाएगी फिर। ओके, सो नेक्स्ट इंग्लिश। सो जो ओलीबोर्ड का हमारा टेस्ट है वो आने वाला है संडे को, और उसके बाद में उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। अब की बार टारगेट की कोशिश रहेगी कि हम 150 पार कर जाएं। पिछले दो टेस्ट में 147, 146 ऐसे आ रहे हैं। सो अब की बार कोशिश करेंगे कि पहले इंग्लिश करते हैं। द मैसेज विल नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय हसना, विल नॉट हैव रिसीव्ड, ठीक है। लॉन्ग इन द टूथ, लॉन्ग इन द टूथ, लॉन्ग इन द टूथ, टूथ टू अनकंफर्टेबल वर्ड, एक्सट्रीमली डेंजरस टू आइज फॉर पीपल, लॉन्ग इन द टूथ। ओके, फर्स्ट लगाते हैं। द किंग स्पीच अबाउट ग्रेट वॉर हीरोज बूस्टेड द डैश ऑफ सोल्जर, बूस्टेड द टेम्पर या कैलिबर, कैलिबर ऑफ। ओके, एज अ स्क्रीन राइटर देर आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू काइंड ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड, एज अ स्क्रीन राइटर देर आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू काइंड ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड। टू काइंड या टू काइंड ऑफ, टू काइंड्स आना चाहिए ना, सी टू काइंड्स आएगा शायद। The chief of army staff exclaimed with relief, "It didn't. He did not need to go out in the snowfall." Staff exclaimed, या फिर said, "Thank God I need not go in the. He didn't need. I don't have to go. He didn't need it. I need not. Needn't go." ठीक है, first ही ठीक है। वोलेटिलिटी का क्या अपोजिट, वोलेटाइल होता है जो एक्टिव हो, सो इनएक्टिविटी। नहीं, अपोजिट है ना, वोलेटाइल तो स्टेबिलिटी होगा ना इसकी, इनएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, ऑप्टिमिज्म, तो स्टेबिलिटी ही आना चाहिए। ओके, अ लेडीज मैन लवर ऑफ वेमेन वर्किंग एज टिमिड हजबेंड, वेमेन टेलर, टिमिड, टिमिड का मतलब, अच्छा ये तो इंग्लिश रहेगा। अ मैन वर्किंग एज पर अ लेडीज डायरेक्शन, लेडीज मैन, वेमेन टेलर, लवर ऑफ वेमेन कंपनी, अ टिमिड हजबेंड। टिमिड यानी क्या होता है यार। चलो, इफ द सन डैश आई विल गो स्विमिंग, इफ द सन साइंस। ओके, टैरिफ, टैरिफ होता है ये बड़ा, टैरिफ, टैरिफ है ना। ओके, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ, मॉन्क साधु होता है, एक्सट्रोवर्ट जो बाहिमुखी, प्रोफेट यानी कि पादरी टाइप में कुछ, रिक्लूज क्या होता है, मॉन्क लिखे हैं या रिक्लूज लिखे हैं, मॉन्क या रिक्लूज, हाँ तुक्का मारने वाली बात है यार। द सॉफ्ट लेयर ऑफ अर्थ डैश ऑन विच प्लांट ग्रोज, अर्थ सरफेस, अमाउंट ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डैश,
Soil includes a huge amount of both components known as humus are formed from dash plants, from decomposed plants. Weathering occurs as a result of different chemical and physical interactions. Yeah, composition, chemical and physical interaction. Soil formation is a dash process, is a gradual process. The एक मिनट, कोई ये तो नहीं ना कि एंटोनिम पूछ रखा हो? नहीं, ठीक है. The proposed investment was economically dash. Proposed investment was economically viable, plotted, salvage, plotted. Economically viable. It is difficult. Showering affection on her. एक मिनट. Showering affection on her. To shower affection on her. Showering affection. ठीक है. Intense का antonym. Intense का moderate. Thrifty. Stately. Lavish. इंटेंस का मॉडरेट ही होता होगा फिर. ड्राइवर्स डोंट हैव टू रिन्यू देयर लाइसेंस बिफोर द एंड ऑफ. नो सब्स्टिट्यूशन है तो. इरेडिकेट यानी खत्म करना. सिनोनिम बताना है. एलिमिनेट. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माय फादर वाज एंग्री अपॉन मी. I couldn't understand why my father was angry upon me. Angry with me hota na. Yeah. I could not understand why my father was angry upon me. Everything that was shipped by us were in excellent sealable condition. Were nahi vaaz aayega. Vaaz aayega vaaz. The outside source of energy okay for this तो नहीं आएगा. पहले यही आएगा. अच्छा S1 ये है. Outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. These sources of energy therefore needs to be broken down or built up in the body and must be finally converted to informed source of energy. This energy can be used for various itana for this molecules. The body need to grow. For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. This energy can be stored for the itana to grow. नहीं, पी के बाद एस. सम ऑफ कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स के बाद दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर नीड टू ग्रो फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन बॉडी आर नेसेसरी. पी आर नहीं है क्या? PR एक साथ भी नहीं आता. एक मिनट. दीज सोर्स ऑफ एनर्जी नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन. इस पर टाइम लग गया यार. कंट्रोल दी
are not under control of the individual organism. These sources of energy therefore needs to be broken down. क्यों मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए यार. He displayed a wanton disregard for the facts. Wanton disregard क्या होता है? Didactic, spiteful, garish, didactic है. Spiteful. Okay. Father asked me that if I will accompany him to the park. Asked me if I would. I would have to nahi. Asked me whether I would accompany him. Yeah, yeah. Yes. First question pe chalte hain. टाइम लगा दिया थोड़ा सा ज़्यादा 11 मिनट. फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स गुरु नानक जी. साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया 1927. डेवलपमेंट इन बंगाल कॉर्नवालिस ने या वॉरेन हेस्टिंग्स. चल जो भी है कॉर्नवालिस करते हैं. हिकत डांस रिलेटेड विद स्टेट ड्यूटी. हिकत चलो. Following rivers of India forms an estuary. Estuary कौन बनाती है? मुहाना, महानदी, महानदी या तापी, तापी लगाते हैं चलो. Clinched men's double Swiss Open 2023. इसको लगाते हैं चलो. लक्ष्य सेन इसको लगाते हैं यार. गलत होगा उतरेगा. डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110 है शायद. 110 ही है. जीन्स इन ह्यूमन बीइंग आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स. अपॉइंटेड अ न्यू सी ऑफ यूट्यूब. यूट्यूब कौन है? शांतनु नारायण या नील मोहन. शांतनु नारायण लगाते हैं चलो. नेक्स्ट शक्ति फॉर कैंपेन. स्टैटिस्टिकल ह्यूमन राइट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन. चलो. रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज मैक्सिमम. रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज मैक्सिमम कंडक्शन में होता है. इन नहीं 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 रेट 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 जल्दी गर्म रेडिएशन में होता है या कंबशन में? दहन है ना, दहन में सबसे जल्दी जाती है हीट. चंद्रयान लॉन्च्ड कब किया गया था? चंद्रयान 7 में. 7 चलो. पेव्ड द वे फॉर फाउंडेशन मुगल एम्पायर. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में पहली वुमेन ऑफिसर अंजन भदौरिया. पोल्यूटेंट आफ्टर पॉपुलेटिंग ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द पोल्यूटेंट विच मूव डाउनवर्ड्स विद पॉपुलेटिंग ग्राउंड. अर्थाइट्स पेरिकार्डियल. इसको यहां से देखते हैं यार. चलो ऑप्शन तुक्का मारा है, गलत भी सकता है. गेम ऑफ हॉकी ऑन द फील्ड 11 बंदे होते हैं. नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड. फ्रांस नहीं है शायद इसमें. जापान आएगा मेरे ख्याल से. जापान आएगा. प्रियदर्शन हुज द डॉटर ऑफ महावीर वाज मैरिड टू होम. जमाली
बिंबिसार इंद्रभूति गौतम मयूर पुत्र जमाली, जमाली कहीं यार, जमाली सुना तो है मैंने, कहाँ सुना है। इसको छोड़ते हैं भाई, ठीक भी हो सकता था वैसे ये। विच डेल्टा लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, कहाँ गया गंगा डेल्टा। गवर्नमेंट साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिक्स कंपनीज वर्थ 18,590 ऑफ द डैश आहेड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ। मेरे ख्याल से यूएई के साथ किया है। स्टेप टू आर बाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे, रेपो रेट बढ़ा के, बैंक रेट घटा के। इंक्रीज मनी सप्लाई, डिक्रीज कैश रेशो, रेपो रेट बढ़ा के। इंक्रीज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एंड एसिड मैन्युफैक्चरिंग सोप, क्लींजिंग एजेंट। गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात के पास में कौन सा है, धोलावीरा या रंगपुर। चलो, उत्तर प्रदेश हैज द मैक्सिमम नंबर लोकसभा सीट्स, बिल्कुल। मिजोरम नागालैंड है ओनली वन सीट, मिजोरम नागालैंड सिक्किम। ये सेकंड वाली थोड़ी सी मेरे को लग रही है कहीं दो दो ना हो जाए, तुक्का मारते हैं फिर। नहीं, ओनली वन करते हैं। चलो, क्या पूछा था, करेक्ट। अच्छा, ओनली वन करते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या कल्चर एंड टूरिज्म। चलो, ठीक टाइम पे हो गया। 1938, गुणा एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार फिर गुणा पाँच, गुणा पाँच था ना तो चार पाँच, चार पाँच है, ठीक है। पॉइंटिंग द फोटोग्राफ नाइना सेज हिज सन ऑफ ओनली, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मैटरनल ग्रांड मदर, मैटरनल ग्रांड मदर नानी के ओनली सन का सन है, यानी मैं माँ छो रहा है। पॉइंटिंग टू, ही इज सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मैटरनल ग्रांड मदर, उसी पॉइंटिंग ब्रदर कजन है। चलो, सिक्स गर्ल्स आर सिटिंग अराउंड इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, सिक्स है, ओके। जी वन अपोजिंग टू, जी थ्री, जी वन, जी थ्री, ओके। जी टू इज द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ जी थ्री, जी टू लेफ्ट ऑफ जी थ्री, ठीक है। जी फाइव सिटिंग अपोजिट टू जी सिक्स, जी फाइव, जी सिक्स, ठीक है। ये जी फोर हो गया, इज इमीजिएट राइट ऑफ जी फाइव, जी फाइव वाला जी सिक्स यहाँ पे, हु सिटिंग इमीजिएट लेफ्ट ऑफ जी फाइव, लेफ्ट ऑफ जी फाइव जी थ्री बैठा है। अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ स्ट्रेन स्फिग्मोमैनोमीटर पे क्या मापा जाता है, एक मिनट। विकृति, अच्छा इस पे तो ब्लड प्रेशर मापा जाता है, एनीमोमीटर पे हवा आर्द्र मापी तो टेसियोमीटर बचता है, ओके। दाहिनी ओर रखा जाता है तो आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन। ठीक है, वर्षिप को इतना लिखा जाता है, 23, 4, 18, 19, 8, 8 के बाद 3, 16, 8, 4 आया, 8, 3 आया, क्यों भाई, इसको 4 क्यों, 15 का उल्टा 12,
चार तीन ए ई आई ओ यू, ठीक है चलो ऐसे करते हैं फिर। रोड चार एक ओके। रिड्यूस पे कैसे लिखेंगे, 18 2 4 5 और 3 और 2, 18 24 53 2 24 53 2, 12 ठीक है तो 12 2 24 16 40 5 22 44 ना नो भी नहीं, 4 × 2 − 12 × इसमें तो 28 का स्क्वायर हो गया ठीक है, तो ये आ गया। किन दो संख्याओं को बदलना चाहिए, पहले तो डिवाइड देख लेते हैं, 5 9 18 डिवाइड तो ठीक है, 25 74 को बदले, 74 × 9 − 25 प्लस में 400 59/3, 3 × 3 1 3 5 15 3 3 9 153 और ये बन गया प्लस, नहीं तो ज्यादा जाएगा। नौ और तीन को बदलें फिर, 25 × 75 − 75 प्लस में 400 4 5 9 9 9 5 45 9 1 9 51 75 152 ठीक है। नहीं बनाया जा सकता है ठीक है, इंसेक्टिवोर विक विक ठीक है, टो रीज इरेक्शन एरेक टी आई ओ इरेक्शन ठीक है, इन्वेस्टर इनवेस टी ओ आर ए कॉर्नर, दो आर तो है ही नहीं ओके, के जी पी पी जी के जी टी टी जी एन अच्छा के जी टी पी जी एन 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 ठीक है, के जी टी पी जी एन 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 ठीक है। 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, कौन सा दिन था भाई, 1 2 3 2 5 5 5 10 11 और 1 12 12 हो गया, 12 + 3 + 22 12 × 3 15 / 22 37/7 2 मंगलवार होना चाहिए, 2 3 5 स्क्वायर है, 4 3 7 का स्क्वायर है 9 ठीक है, 4 6 10 ये भी नहीं, 7 4 11 भी नहीं, 9 भी नहीं ठीक है, ये फिर ये फिर ये और फिर इस तरफ आएगा और पहले ये था ऊपर गया फिर उधर गया, अब नीचे वाले खाने में आएगा, यानी कि हाँ पहले तीनों में से है पी क्यू आर एस ओके, दिल यहाँ उल्टा होगा यहाँ फिर उल्टा, अब यहाँ आएगा फिर उल्टा होगा, यानी ये ओके। निर्माता का संबंध फिल्म से, उसी प्रकार लेखक का संबंध, निर्माता फिल्म करता है लेखक पुस्तक लिखता है
नहीं है, पर ये है, ये है क्या यार, ये है ये भी नहीं लग रही। हाँ ठीक है, ये भी नहीं लग रही, ये भी नहीं, तो ये कहाँ से आ गई, ये तो नहीं है शायद, ना ये है फर्स्ट वाली है। ओके बोतल को बी का उल्टा, ओ एक मिनट, बी यानी के 28 है, मैं तो 3, नहीं 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 इसका कुछ और उल्टा, ये इसका उल्टा, कैसे होगा यार, प्लेट्स को देख लेते हैं, प्लेट्स को पिकनिक से एच कैसे आ गया यार, पी होता 16 पे, एच होता 8 पे, आधा कर दिया, आधा कर दिया या 8 घटा दिया, आई 9 पे होता है, प्लस 4 13, 15 4 15 5, तो 5 9 5 14 यानी एन, लेकिन कैसे यार, एच एन उसके बाद सी, सी होता 3 पे, थर्ड के साथ क्या है, बी से 7 पे 13 घटा दिया, और 20 27 और 22 21 22, कुछ नहीं भाई, इसका सोल्यूशन तो थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, छोड़ते हैं इसको। डर्मेटाइटिस, डरे है तो 5 फर्स्ट पे, 5 के बाद आ गया 1, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4, फिर 2, 5 1 3 4 2, और टू ठीक है, 31 है, 31 3 कितना, डिवाइड का साइन कहाँ पे है, 8 चौका 32, 7 चौक 28, नहीं अरे तो थोड़ा गड़बड़ जा रहा है, ये देखो एक बार करके, ज्यादा हो जाएगा, नहीं ये भी ज्यादा हो जाएगा, ये करके देखते हैं, 31 दिया 93 माइनस में 64 इक्वल टू 124 माइनस में 4, 92 प्लस 78 डिवाइड बाई 6, 8 9 10, 9 7 16 118, 4 5 बटे में 6, 6 9 4 9 है 5, 95 हो गया, 124 में तक 95 हो गया, 5 29 आ गया, 29 आ गया तो 30 29 ठीक है, यही ठीक है, 4 अक्षर समान है, भिन्न है, भिन्न का 3 4 2 6, 3 9 4 13,
पाँच और एक छः और दो, आठ आना था ना, तीन और दो पाँच, तीन आठ और चार बारह, दो तीन चार, ठीक है। इसका मतलब इसी में दिक्कत है, कुछ एक्स एम है, कुछ एक्स एम है, ठीक है, सभी डब्ल्यू एक्स हैं, सभी डब्ल्यू एक्स हैं, कुछ एम डब्ल्यू नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई एम कोई डब्ल्यू एम नहीं है, कोई डब्ल्यू एम नहीं है, ये गलत है, कुछ एम एक्स नहीं है, ठीक है, वन थ्री अनुसरण करता है, हाँ, कुछ एक्स एम है, सभी डब्ल्यू एक्स है, ठीक है, कुछ एम डब्ल्यू नहीं है, ठीक तो बोला, कोई डब्ल्यू एम नहीं है, ये गलत है, क्योंकि हो सकता है ऐसा। अच्छा 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 इसका मतलब है कुछ एम एक्स नहीं है, इसका मतलब तीसरा करेगा ना फिर, कुछ एम डब्ल्यू नहीं है, लेकिन ये बात तो ठीक रहेगी ना, नहीं 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 हाँ ठीक है, केवल तीसरा अनुसरण करता है, 19 90 19 95 95 13 55 5 20 25 125 125 125, ठीक है, ये फिर ये फिर ये, पहले ये था, ये यहाँ आया, ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, फिर ये, अच्छा अब फिर से उल्टा होगा, ये यहाँ आएगा, ओके, ये वाला यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये वाला वहाँ जाएगा, ये भी ठीक है, नीचे का रहेगा सेम, यानी कि ये आएगा, ठीक है, तो रिश्ता बताना है किस प्रकार संबंधित है, एच एच के टी की पुत्री है, तो एच एच जो है वो आर की पुत्री है, एंड आर एस का पति है, एस का पति है, एस नहीं यार पति नहीं पिता है, आर एस का पिता है, और एस जो है वो टी का पुत्र है, ठीक है, यानी कि टी है वो फीमेल, टी का पुत्र है, एंड टी इज टी एन की पुत्री है, एन की पुत्री यानी नाना लग गया, तो ये क्या लगा, नाती, ठीक है, सात व्यक्ति सीधी उत्तरी ओर, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यू आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यू आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू वी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, टी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ये टी हो गया, एस पी के दाएं से दूसरे तीसरे स्थान पर बैठा है, एस पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, मान ले पी यहाँ है तो एस यहाँ हो गया, और क्यू वी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यदि टी किसी एक कोने में बैठा है तो दूसरे कोने में कौन बैठा है, बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि ये क्यू है, ये वी है, और क्यू वी टी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, हाँ ये तो हो गया,
एस पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एस पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। पांच तो यहाँ हो गए, एस पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। शुरू से करते हैं यार, टी ओ वी यू आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे आर हो गया, यू आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पे यू हो गया, और फिर एस पी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, एस पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, और क्यू ओ वी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू ओ वी के बाएं से दूसरे पर भी बैठा है, इसका मतलब ठीक है। कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ क्लिप बैंड हैं, कुछ क्लिप बैंड हैं, ठीक है। कोई पिन बैंड नहीं है, गलत है। कम से कम कुछ पिन बैंड हैं, तो या तो फर्स्ट है या सेकंड है, इनमें से एक होगा, है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया ये, कहाँ गया भाई लास्ट का क्वेश्चन। या तो वन ही आया सेकंड, अब आ गया मैथ्स। 23 मिनट बाकी भाई, इक्वल है यानी कि 45 डिग्री होगा थीटा, तो कोस 45 की वैल्यू होगी कितना होता है, 1/√2 होता है ना, यानी कि 2 प्लस में सेकेंड, ये भी 2 माइनस में 1/(2sin2θ) sin 91 होता है, यानी कि 2 2 2 4 में थे, 3/2 आंसर आ गया, ठीक है। एक बाइक को इतने में बेचने पर जित लाभ, बाइक को इतने में बेचने पर हानि के बराबर है, ठीक है। बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो ये हो गया भाई 68,250 में 47,250, 0.5 नहीं 0.5 8, 7, 15 6, 6, 10, 11 बटे में 2, 2, 5, 10 1, 2, 6, 14 फिर 1, फिर 2, 6, 14 फिर 1, 2, 5, 10 0, 57,750। कंपनी के लाभ में की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 93-94 में 25-20 था, और 97-98 में 50-40 हो गया, यानी कि डबल हो गया ना, तो 100% की वृद्धि हुई है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण 45 से बदल के 60 डिग्री हो जाता है, टावर की छाया 8 मीटर घट जाती है, टावर की ऊंचाई क्या है। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से बदल कर 60 डिग्री हो जाता है। इसको कैसे करूं, ये ऐसे है, सूरज यहाँ पे है, मान लिया ये पहले 45 था, अभी हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो वो पहले जितनी आया करती ना, उसके मुकाबले ये जो डिस्टेंस है, 8 मीटर घट गई, टावर की ऊंचाई क्या होगी। ये तो ऐसा हो गया ना, फिर इस तरह से 45 डिग्री 60 डिग्री, 8 मीटर। चलो फिर 10 परपेंडिकुलर बटे बेस, बटे बेस, बेस मान लिया एक्स,
इक्वल टू एक और अंडर रूट थ्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे एक्स। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, एक्स प्लस एट हो गया, एट अंडर रूट थ्री एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एट। ठीक है ना, किसी पूछिए टावर क्यों चाहिए, यानी क्या है एक्स पूछा है। डिवाइड बाय अंडर रूट थ्री माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाय थ्री माइनस वन टू, चार अंडर रूट थ्री प्लस वन मीटर आ गया। ठीक है, अब आ गया 17 का मान, इसका 4 दिया 12, 8 में 40 माइनस का 40 में तक कितना 17 33, 33 नहीं 23 आ गया, 23 प्लस है माइनस का 23 है और प्लस 12 यानी माइनस का 11, माइनस का 11 है तो 22 आएगा। फिर भी देख लेते हैं एक बार, 5 थे 15 में 6 गए यानी कि ढाई, ढाई प्लस में 5 बटे 2 प्लस में 8 तो 5 प्लस यानी कि 8 दूनी 16, 5 21। ठीक है, यही है x इक्वल टू इतना भाई, इतना सेट इतना का मान क्या होगा। ये तो ठीक है ना, x प्लस वाई इसका होता है x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू इतना और इनटू में नहीं नहीं माइनस में चलो फिर चलो यहाँ से ऐसे करते हैं इसको, नीम नीम के सी एक नंबर 9 हो गया, ये 0 हो गया, 3 3 9 3 27 यानी कि 7 आएगा। ठीक है, 9 7 16 6 आएगा माइनस में 0 3 0 ये 0 यानी कि लास्ट में 6 आना चाहिए ना। ठीक है, फिर दोनों ट्रेनें ए और बी दो अलग अलग स्टेशन एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू करती हैं, एक घंटा 30 मिनट के बाद मिलती हैं। ठीक है, तो 82 162 हो गया, 162 को 3 बटे 2 से गुणा करो, 162 गुणा 3 बटे 2 दो तक अट 81 आ गया, 81 एक दिया 3 8 दिया 24 243 किलोमीटर दूर थी। ये सवाल भी कोई सवाल है यार। प्रिज्म का आधार षटकोणीय भुजा 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना, प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी। एक मिनट बस। रेगुलर हेक्सागन बेस विद साइड इतना, टोटल सरफेस एरिया इतना। ठीक है, हाइट ऑफ द प्रिज्म निकालना है, हाइट ऑफ द प्रिज्म निकालना है। कैसे निकालो यार मैं इसको, हेक्सागन में कितना होगा 6 इंटू अंडर रूट 3 बाई 2 ए स्क्वायर या 3 बाई 4 ए स्क्वायर, 3 इंटू 3 बाई 2 ए स्क्वायर। ये तो हो गया नीचे का, ऊपर का कटने के लिए गुणा 2 कर दिया। ठीक है, अब साइड्स का, 6 साइड्स हैं
सो 6 इंटू ए इंटू एच ये बन गया ओके। सो 3 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस में 6 ए एच इक्वल टू 912 अंडर रूट 3 और जो ए है ए की वैल्यू कितनी दे दी इसने 8 दे दी 8 8 64 आ गया 64 गुणा 3 अंडर रूट 3 प्लस में 8 6 48 एच इक्वल टू 912 अंडर रूट 3 ओके। तो घटाओगे तो 4 3 12 6 3 18 19 ओके इसमें घटाया 192 दो में तो हो गया 0 11 में तो हो गया 2 8 में तो गया 7 720 छोटे में 48 है 48 यानी कि 24 गुणा 2 24 दिया 33 है तो 15 अंडर रूट 3 है 15 अंडर रूट 3 है भाई सिंपल था यार। हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इन रेशियो 2:3 रेडियस ऑफ देयर बेस आर रेशियो 3:4 वॉल्यूम कितना होगा हाइट ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आर रेडियस का रेशियो है 2:3 का तो रेडियस होगी 2 2 4 हाइट का रेशियो है 3:4 का तो नहीं हाइट का रेशियो 2:3 का है हाइट का रेशियो 2:3 का है इसका 3:4 का 3 3 9 गुणा और 2 9 18 पाई हो गया है ना 3 3 18 पाई और ये हो गया 1/3 पाई और आर रेडियस का रेशियो हो गया 4 6 16 गुणा में हाइट का रेशियो हो गया 3 का 3 ठीक है 3 3 8 18 16 का रेशियो है 18 16 यानी कि 9 8 का रेशियो ओके। इन सेंटर ऑफ ए बी सी विद वर्टिसेस इतना इतना नहीं इतना इस कितना होगा ए बी सी के साथ इन सेंटर छोड़ो यार नहीं निकलेगा सम ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 116 सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर का सम यह यानी कि 2 पाई आर और प्लस में 2 आर इक्वल टू 116 तो 2 आर कॉमन ले लिया पाई प्लस 1 रह गया 22/7 7 / 7 29/7 इक्वल टू 116 गुणा 7/22 बटे में 2 और कर दिया 2 तक काटा 2 5 10 1 2 8 16 58 तो 22 3 11 गुणा 2 तो फिर काट लिया 29 ठीक है 9 7 63 2 7 14 नहीं तो पूरा कटना तो चाहिए था यार सम ऑफ सर्कमफेरेंस 2 पाई आर प्लस में 2 आर इक्वल टू 116 2 आर कॉमन पाई प्लस 1 22 7 29 बटे 7 अच्छा 29 आओगे यार 29 है 29 4 58 ठीक है नहीं 29 4 29 116 4 2 14 आ गया रेडियस ओके। अशीत एंड वरुण स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट स्पीड ऑफ इतना 60 है इसकी 40 आफ्टर रेस बीट 10 मिनट डिस्टेंस कवर्ड बाय देम स्टार्टेड सेम पॉइंट 60 किलोमीटर पर आवर इसकी 40 किलोमीटर पर आवर रेस के बाद अशीत ने वरुण को 10 मिनट से बीट किया है ठीक है तो रेस तो फिर वो थी कितनी आधी की आधी यानी 50 नहीं तीस किलोमीटर की रेस थी ना कवर्ड बाय देम नहीं 30 की नहीं कैसे करेंगे इसको यार 60 किलोमीटर पर आ रहे यानी कि 30 किलोमीटर बच गया है अरे यो तब तक नहीं एक मिनट 10 मिनट से रहा है ना ओके 10 मिनट से रहा है तो 20 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से 10 मीटर ऐसे करते हैं, कोई डिस्टेंस एक्स है उसको 60 से करेंगे, माइनस में वही डिस्टेंस एक्स बटे में 40 से करेंगे ना, पहले 40 से फिर 60 से, तो 10/60 यानी कि 1/6 आएगा। ठीक है, 4×24 की जगह हम क्या करें 120 करें, तो 3x माइनस में 2x, x/120 20=1/6, 1/6 की गुणा करो तो 120/6 20 किलोमीटर के डिस्टेंस है ना यार, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लिया 25 किलोमीटर था, 25 किलोमीटर 60 की स्पीड से चला तो 5/12 पहुंचा, हरियोग पहुंचा 5/8 पहुंचा। ठीक है, अब करते हैं टाइम आ गया ना, गुणा में 60 करते हैं, गुणा में 60 5/25 है। ठीक है, अब 8×2=15 7/2 ये तो कोई नहीं है, 50 किलोमीटर करें, 5/6 गुणा में 60 है, 10/50 हो गया, और 50/40 गुणा में 60 15×6 हो गया, तो 15 हो गया, फिर 40 में करा 4/6 गुणा 6×60 40, और 4/4×60 60 नहीं है, 20 किलोमीटर करा 20/60 × 60 20/40 × 60 30 20 किलोमीटर। अरे यार वैसे भी तो 20 आया था, क्या है, मैं भी ABCAP AC ACB APQ। ठीक है, 2.884 आधा आधा हो रहा है, CA and AQ। ओके, 2.8 है, 28×56 हो जाएगा और इसका 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तो निकालने की जरूरत नहीं पड़े। अरे इसका स्क्वायर कर दो ना, बी का स्क्वायर प्लस 2AB यानी 12, 12×64 इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 12×64 गए 52 आ गया, नहीं 52 टू यानी कि 4xy बनागा, 4×24 होगा, 40 आएगा। ठीक है, फिर एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50, 30, 60 एंड सेम साइड ऑफ द टावर 50 मीटर फ्रॉम वन अनदर। अच्छा, यानी कि ऐसे है, ऐसे ये 50 है, यहाँ तक बनाएगा 30 डिग्री, यहाँ तक बनाएगा 60 डिग्री। साइड ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी एक्स है। ठीक है, मान लिया तो बेस परपेंडिकुलर बटे बेस एक्स बटे में वाई इक्वल टू √3 और एक्स बटे में वाई प्लस 50 इक्वल टू 1/√3। तो एक्स की वैल्यू करनी है √3y = y + 50/√3 गुणा कर दिया 3y = y + 2y = 50 आ गया, 25 आ गया y की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे रखते हैं 25√3 आ गया टावर की हाइट। द ब्रेथ ऑफ अ
rectangle is 1/3 of its length. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ. इसकी लेंथ 3 मीटर की है, ये हो गया 1 की, ठीक है, 3x 1x. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना हो गया, यानी कि 3x² = 18/75 बटे में 3, 3 6 18, 3 2 6 1, 3 5 15, 625, यानी 25 मीटर आ गया. फाइंड द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, 25 हो गया, एक्स 25 बन गया ये, तो 75 25 100 आ गया. ओके, क्या बताना इसमें. लैपटॉप सोल्ड इतना, ए बी, ए पी के है, ब्रांड ए ब्रांड बी है, ठीक है. इफ 25% ऑफ द लैपटॉप सोल्ड बाय ब्रांड बी ड्यूरिंग सितंबर वाज सोल्ड एट डिस्काउंट, सितंबर में 25% लैपटॉप सोल्ड बाय ब्रांड बी, ब्रांड बी के 25%, ठीक है जी, सोल्ड विदाउट अ डिस्काउंट ड्यूरिंग सितंबर, हाउ मेनी लैपटॉप्स ऑफ ब्रांड बी वर सोल्ड, ठीक है. तो नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड 2400 है, 2400 का 25%, 2400 का 1/4 और गुणा में इनके कही है ब्रांड बी, ब्रांड बी 5 में से 2 खर्च हुए हैं, 2/5, इसका भी 25%, यानी इसका 75% का ऋण आवन है. 25% ऑफ लैपटॉप ब्रांड बी सोल्ड विदाउट अ डिस्काउंट, ठीक है, यानी कि 3/4 का ऋण है. तो 4 तक गया 600 पे, फिर 2 तक ये 2 पे गया, 5 दूनी 10 तक 10 के 1 0 कट गई, 6 7 18 180 लैपटॉप विदाउट उसके गए हैं. कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू, जिनका टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल रेशियो इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज, 80:16, ठीक है. टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ कंपनी, फोर डिपार्टमेंट्स एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अच्छा. सो 10 20 30 15 45 32 45 32 हो गया कितना, 73 और 50 40 90 90 35 125 125 और 45 170 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 715 150 198 198 200 248 200 248 77 170 7 8 15 7 7 14 4 18 1 19 9 भाई इन थाउजेंड, अच्छा 9 5 तो फिर एक में है रहा, चल भी डैश इज 0 इज अ डैश, नेचुरल नंबर, रेशियल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है. द कॉस्ट प्राइस ऑफ बीस बुक इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, प्रॉफिट इज 25%, प्रॉफिट अगर 25% है तो 16 आएगा, 16 को 20 में बेच रहे हैं, ऐसा ही है ना, 4 को 5 में बेच रहे हैं, नहीं 15 को 20 में बेच रहे हैं ना, 15 को 20 में बेच रहे हैं तो पंद्रह बुक्स को बीच में बेचेंगे तो एक मिनट रुक जा, 16 रुपए कॉस्ट है और 20 रुपए सोलह से बीस गया, यानी 4 से 5 गया, नहीं 4 से 5 कैसे गया यार, 16 से 20 गया ना,
160 से 200, या फिर हिमालय के 80 से 100 गया। 100 डिवाइड बाय 80, 5/4 गुणा 100, 125, ठीक तो है यही है फिर आंसर, और क्या। ए कैन डू पी, सो ए एंड बी कैन डू 9-12 दिन में, यानी कि कितना हो गया, 60 नहीं 75 होगा कि नहीं यार, 12 नहीं, 108 लिखना पड़ेगा, 108 नहीं, 36 12 36 स्टार्ट द वर्क अल्टरनेट डेज में, तो कितना दिन खत्म होगा, 36 काम है। ए शुरू करता है, ए और बी शुरू करते हैं, सो इसकी होगी 4, इसकी होगी 3, 4 3 7, 7 19 14, 14 19 28 करते थे, चलो खत्म भाई, चलो टेस्ट खत्म, सबमिट हो गया टाइम से पहले, क्वेश्चन कर पाया हूँ लगभग 17-18 क्वेश्चन कर पाया हूँ, सो देख लेते हैं। इससे पिछले में 121.5 थे, अब की बार थोड़ा सा स्कोर ठीक ठाक बनना चाहिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, साइट लोड हो रही है अभी, 138 ओके 138 है, 79.02 की परसेंटाइल, 80 टच नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है चलो अच्छा ठीक ठाक स्कोर मैं इसको मानता हूँ। मैथ्स में 35 ओके ठीक है स्कोर, ठीक है 20 क्वेश्चन मैंने किए, 20 में से 18 ठीक हुए हैं, दो क्वेश्चन गलत हो गए, 20 क्वेश्चन 23 मिनट तो मैं ठीक ही मानता हूँ, रीजनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, 24 क्वेश्चन किए उसमें से 22 क्वेश्चन ठीक है, दो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, एंड जीके में तो काफ़ी रॉन्ग है, खैर इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया, 10 मिनट चले गए। मैं ये मानता हूँ कि 12 या 13 मिनट, 14 मिनट मैक्सिमम 14 मिनट लगानी चाहिए आपको जीके प्लस इंग्लिश करने में, सो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, 16 मिनट लग गई है, सो 2 मिनट और इसमें काटनी पड़ेंगी। वोकैबुलरी में 4 गलतियाँ ये दिखा रहा है, पर्सन इसका वो आएगा, रिक्लूज आएगा शायद इसका, जहाँ तक मुझे पता है, एक बार थोड़ा सा एनालिसिस, हाँ रिक्लूज देख ही लेते हैं एनालिसिस हल्का फुल्का क्या कुछ आएगा, इंग्लिश और रीजनिंग के देखने में, तो मुझे मैथ्स का तो पता ही है, मैथ्स का तो जैसे रहता है ठीक है। सो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं चल रही है, ये कैसे गलत हो गया यार, क्या देंगे इसका, वेंसडे क्यों दे दिया, मैंने तो ठीक हिसाब से मापा भी था, दोबारा काउंट करूं है? वन इज कंसिडर्ड एज संडे, क्यों भाई, वन इज कंसिडर्ड एज मंडे, वन तो मंडे गिना जाता है ना, जीरो गिना जाता है संडे, इन्होंने वन कैसे कर दिया यार ये, चलो जो भी है 24% का करेक्ट लगा ये, इसमें क्या गलती कर दी, अच्छा वो इधर और आला क्या था, ओनली थर्ड लिखा था ना मैंने, ये 59% का करेक्ट हुआ है इसमें यार, ये नोट वाले मुझे नहीं पता है भाई, ये नोट वाले कैसे होंगे, चलो इनको बाद में करेंगे यार किसी दिन, उसके बाद देखते हैं थोड़ा इंग्लिश का, इंग्लिश में 5 गलतियां हुई हैं, लॉन्ग इन द टूथ क्या होता है, टू वाइस फॉर पीपल, टू ओल्ड टू डू समथिंग ओके, और द किंग स्पीच अबाउट ग्रेट हीरोज बूस्टेड द टेम्पर या मोरल, मोरल तो वैसे बूस्टेड द टेम्पर, मोरल हो गया ठीक है, मोरल ओके। सेवेंथ, अ लेडीज मैन क्या होता है, लेडीज मैन वुमेन्स टेलर या ये वाला लवर ऑफ वुमेन कंपनी ओके, इसको याद रखेंगे, लिव्स बाय हिमसेल्फ, रिक्लूज होता है, अभी देखा है, इट इज डिफिकल्ट टू शावर अफेक्शन ऑन हर ओके, 70% ने किया,
शी इज शावरिंग बिफोर गोइंग आउट. अच्छा, हैविंग अ शावर, ऑफ शावरिंग, टायर्ड ऑफ शावरिंग. चलो उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा मैथ्स. मैथ्स में दो गलतियां, जैसे कि यहाँ पे यार ये मैंने ठीक तो निकाला था, 45 से 60 हो रहा है. 45 की वैल्यू 1 होती है, इसकी अंडर रूट 3 होती है. ठीक है, ये x हो गया एक. द शेडो ऑफ टावर वॉट डिक्रीज्ड बाई 8 मीटर, व्हाट्स द हाइट ऑफ द टावर. क्या आएगा इसका, 8 अंडर 3 प्लस 3 मीटर. अच्छा, ओके ओके ओके, ये एक्स की वैल्यू निकाली यार, हमने इसकी वैल्यू नहीं निकाली. ओके हाँ, 45 यहाँ बन रहा था ना. सो एक्स प्लस 8 जितना होता वो एक्स प्लस 8 ही टावर की लेंथ होती. सो 4 ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस 3 आंसर आना था. 20वां देखते हैं. 0 इज अ रेशनल नंबर या इवन नेचुरल नंबर. रैशनल नंबर, 43% का ये करेक्ट हुआ है. ओके, लास्ट के चार क्वेश्चन मैं कर नहीं पाया. ये वाला थोड़ा सा इजी था वैसे देखा जाए तो, क्योंकि 7 बनती है और 7 चौक 28 कंप्लीट, 4 दिन कंप्लीट, नहीं 4 नहीं 5 8 8 दिन कंप्लीट है और फिर 9वें दिन है. 4 5 नहीं 5 10 दिन कंप्लीट हो गए. सो 11 एक बटा 4 आंसर आएगा. 11 एक बटा 4 10 एक बटा 4 सॉरी, क्योंकि उसके बाद हाफ काम किया था. सो तो मुझे 35 एंड हाफ. ओके, ये ट्राई नहीं किया पर ये भी हो जाएगा. 3 की हाइट 56 सेंटीमीटर, एवरेज 3 की हाइट का 56 है. तो हाइट इस प्रोपोर्शन में है, हाइट ऑफ ऑल 3 कितना होगा. सो 8 है ना, 8 की 56 है, यानी 7 से गुणा करो, 49 56 एंड 63, 56 एंड 63. बस इजी था. उसके बाद 24वां क्वेश्चन. 16% रीप 1/5 फील्ड इन 6 डेज, यानी कि पूरा काम करने में 30 दिन लगेंगे, 16 बंदों को 30 दिन लगेंगे. तो सेम एफिशिएंसी 8 डेज में करने में कितने लगेंगे, बटे में 8 कर दो और इक्वल टू x कर दो. तो 2 30 दुनी क्या था ये, 16 बंदों को 1/5 ऑफ फील्ड 6 डेज यानी कि 30 दिन में रिक्वायर टू रीप रेस्ट ऑफ द फील्ड यानी कि 1/4/5. ठीक है, 4/5 ऑफ फील्ड, 4/5 से गुणा कर दो तो 12 चौक 48 की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, ये भी इजी था. उसके बाद 25वां क्वेश्चन. कंपाउंड इंटरेस्ट तो वैसे मेरे को नहीं आता, 2 इयर्स है तो 4 चौके 16 ना कितना हो गया, 4 दुनी 8 है, 4 चौके 16 8.16 है, 8.1 4 चौके 16 उठी, हाँ ठीक है 8.16 आ गया. इतने पे इसका 8.16 निकाल लो, 8125/100 तो 20 पंजे 100, 5 5 एकम 5, 3 5 छः 30, 1 5 दो 10, 2 5 पंजे 25. उसके बाद 20 का 10 कर दो और 2 पे काट दो, 2 चौके 8 है, 0 8 है, 408 की 1625 की गुणा करनी है वैसे. चलो 2 और 5 पे फिर काटते हैं, 2 पे काटो 2.04, 5 पे इसको काट लो, 5 थी 15, 1 5 दूनी 10 पंजे 25, 325 और 408 की गुणा करनी है अभी, 8 पंजे 40 फिर 4 4 पंजे 20 और 8 दूनी 16, 0 0 यानी कि चलो जो भी है यार इसको देखेंगे बाद में. 4% यानी कि 1/25 इंटू 1/25 1/625 1/625 नहीं, चलो जो भी है यार ऐसा ही कुछ आएगा, यही लग गया. ठीक,
बस काटने पीटने में थोड़ा लग जाता है, बाकी मैथ्स ठीक था, इतने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। ये मुझे नहीं आता है, इसका क्या होगा, क्या हो जाएगा ये। अरे यहाँ तो तुक्के भी ठीक लग रहे हैं। सेंट्रोइड होता है आर गिवन पॉइंट्स, ओके, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ये होता है, तो 2 यूनिट, ओके। सो ये था मैथ्स का सेक्शन, अब जीके की बात करते हैं। जीके में तुक्के मारेंगे भाई, कौन कौन सा ठीक गया। पहला ठीक गया आता था, दूसरा ठीक गया आता था, ड्यूअल गवर्नमेंट वॉरेन हेस्टिंग्स ठीक है, उसके बाद हिकत डांस रिलेटेड टू हिकत जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा जम्मू कश्मीर ठीक है। एस्चुरी पता है, तापी बनाती है, लगाया भी था इसको। उसके बाद नेक्स्ट स्विस ओपन सात्विक और चिराग ने जीता है, ये पढ़ लेंगे। मनीविल 110 आर्टिकल पता था, जीन्स क्रोमोसोम में होते हैं, सी ऑफ यूट्यूब किसको बनाया गया, नील मोहन को ठीक है, इसको याद रखेंगे। शक्ति ये नारी शक्ति वाला था ठीक है। मैक्सिमम हीट का ट्रांसफर होता है किसमें, हीट ऑफ ट्रांसफर इज द रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर, कन्वेक्शन या रेडिएशन, रेडिएशन है। उसके बाद चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2000, पहले हमने 7 लगाया था, अब 8 लगाते हैं, 8 आंसर है। उसके बाद मोगल, इसको तो सबको पता है यार, क्या ये सियाचिन ग्लेशियर में किसकी ड्यूटी है। सो दिव्या रानी या प्रिया शर्मा, शिवा चौहान आंसर है, ओके। पोल्यूटेंट ये इनकरेक्ट हो गया, इसको पार्कोलेट्स लीकेट्स या लीचेट्स जो भी है। हॉकी में 11 बंदे होते हैं, पहले भी लगाया था। क्वाड का फ्रांस नहीं है, जापान आएगा शायद इसी जगह, देखिए एक बार आंसर। जापानीज प्राइम मिनिस्टर, क्वाड 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 में कौन है, जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया ठीक है, जापान आएगा उसकी जगह, इसका मतलब मेरा गेस ठीक था। इसको किससे करवाया, तो जमाली, ये हम लगाने वाले थे यार पर ये छोड़ गए उस टाइम पे। डेल्टा इसका तो पता ही था, सुंदरबन लगाया। उत्तर प्रदेश यूएई से लिया था, ये कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाना पड़ता है ताकि बैंक पैसा जमा कराएं और जो मनी है वो वापस खींचे जा सके। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में काम आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो फिर रंगपुर या भगत राव क्या आएगा, रंगपुर ठीक है। उसके बाद इनकरेक्ट था, तो बहुत बहुत एक एक सीट है इनमें। उसके बाद ये हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बस जीके भी इजी थी कंपैरेटिवली, इतना कोई मुश्किल नहीं थी जीके, ठीक थी जीके। 1 2 3 4 5, 3 8, 2 10 गलत हुए हैं और एक छोड़ा है, यानी कि 11 है, यानी 14 क्वेश्चन ठीक हो गए, 14 तो बढ़िया है स्कोर, ठीक है स्कोर, इतना कुछ नहीं। अभी एक बार और चेक करते हैं स्कोर को, कहाँ पे क्या चल रहा है इसका 79 से अबोव बनी है, पूरे 80 तो नहीं हो पाए खैर, पर स्कोर ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से कट ऑफ पार हो चुकी है। 130 कितना है, 138.5, सो आई थिंक कट ऑफ क्रॉस हो चुकी है, बाकी देखते हैं कितने पे है। सो ये था टेस्ट नंबर 4, अब कल को करेंगे टेस्ट नंबर 5 एंड देखते हैं कैसा रहता है। और संडे को जो है ओली बोर्ड का टेस्ट आएगा लाइव, उसको लाइव अटेम्प्ट करने वाला हूँ, सो उसको आप देखना मत भूलो। टेस्ट मॉक टेस्ट लाइव देखने का फायदा ये होता है कि आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी पता चलती हैं कि कौन कौन सा सेक्शन पहले करता है और किस सेक्शन में कितनी गलतियां हो सकती हैं, या फिर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, या किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में अगर गैस भी कर रहे हैं तो किस तरह से गैस कर रहे हैं। सो काफ़ी सारे फायदे होते हैं जो मॉक टेस्ट है उनको देखने के। मैं Tier 2 के टाइम पे एक आध ऐसे देखा करता था, जैसे एक आध यूट्यूबर का भी डाल देता था, सो उससे मुझे पता लग गया कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाला होता है, कौन सा करने वाला होता है। किसी कोई क्वेश्चन जब कोई टॉपर छोड़ता है तो मुझे लगता है हाँ भाई देखो ये क्वेश्चन सच में छोड़ने लायक था और इसने छोड़ा है क्वेश्चन। सो 100 के 100% शायद ही कोई ऐसा हो अटेम्प्ट करता हो, या जो जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है वो करते होंगे, मेरी तो खैर स्पीड इतनी नहीं है। अभी मैथ्स में इम्प्रूव हो रही है, अभी आप देख सकते हो 24 मिनट में मैं 20 क्वेश्चन कर पाया हूँ, तो बड़ी बात मानता हूँ अपने लिए। सो ये थी आज की वीडियो,
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करिए, आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ में, आपको थोड़ा कंपटीशन फील होगा स्कोर देख के। और अगर आपने टेस्ट दे दिया है तो आप एनालाइज करिए, नहीं दिया है तो ये टेस्ट दीजिए और फिर देखिए कि आपका स्कोर कितना आता है। सो बाय फॉर नाउ।